हेलो गाइस, मैं हूं सवाल। हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल शहजादा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस माइक का, जो कि है बोया BY-MM1। ये एक शॉटगन माइक है और ये मैंने कल ऑर्डर किया था अमेजन से और मुझे आज ही मिल गया। वैसे मतलब नेक्स्ट डे आने वाला था मंडे को, बट आज संडे को ही डिलीवर हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। फास्ट डिलीवरी किया है अमेजन ने। और कुछ अच्छी बात जो नहीं है, आप देख सकते हैं पैकिंग एग्जैक्ट मुझे ऐसा ही मिला था और मैंने मिलने के बाद मैंने इसको सैनिटाइज कर दिया है, ताकि आजकल कोरोना वायरस का खतरा बहुत है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसको मैंने सबसे पहले सैनिटाइज किया, उसके बाद अब आप देख सकते हैं पैकिंग इसमें प्लास्टिक वाला जो अमेजन का होता है वो भी नहीं है, कार्टन में आता था अमेजन का पैकिंग वो भी नहीं है, बस सिंपल सा ऐसे एक पेपर इधर लटका दिया और इसके अंदर बिल है। ठीक है, तो ये बिल है इसके अंदर और कुछ पैकिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सील पैक भी नहीं है और ये भी थोड़ा सा फटा हुआ है, देख सकते हैं, और बस ऐसा ही है। तो अमेजन ये अच्छा नहीं कर रहा है आई थिंक। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे और इसकी क्वालिटी कैसे है वो भी देखेंगे, इसको लगाएंगे अपने फ़ोन में और चेक करेंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो ये सब करेंगे उससे पहले ये इंट्रो। तो चलिए अब शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। बिफोर अनबॉक्सिंग हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इस माइक के बारे में। ये कॉम्पैक्ट लाइट वेट डायरेक्शनल माइक है और रगड़ मेटल कंस्ट्रक्शन है इसका, मेटल का है, और इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है और इसके साथ विंडशील्ड मिलता है जो कि काफ़ी प्रोफेशनल है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अभी देखेंगे हम लोग खोलने के बाद कि कैसा प्रोफेशनल है नहीं है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 35 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज तक जाता है और प्लस माइनस 3 डेसिबल तक जाता है। ठीक है, और इसमें दो केबल मिलेगा 3.5 mm से TRS एंड TRSS कनेक्टर, TRRS कनेक्टर। तो वेट है इसका 86 ग्राम। ये सब तो जान लिया हमने, अब खोलते हैं इसको यहाँ से सिंपली और निकाल लेते हैं इस माइक को यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पैक है और इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये बुकलेट है इसका, छोटा सा पतला सा, इसमें इस माइक के बारे में आप जान सकते हैं डिटेल में। ये आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन कंपोनेंट माइक और इसके साथ ये विंडशील्ड है, और इसको खोलते हैं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, पूरा मेटल का बना हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है इसका बिल्ड क्वालिटी। इधर यहाँ पे केबल लगाने का है सामने से, मतलब आवाज़ के लिए है। ठीक है, और इसका जो ये क्वालिटी है, क्या बोलते हैं, विंडशील्ड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ देखिए बाल आ रहे हैं बाहर, और इसमें यहाँ पे बोया का ब्रांडिंग है। तो चलिए इसको वापस से यहाँ पे अभी फिलहाल लगाते हैं और इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ हमें यहाँ पे ये मिलता है, इसको DSLR के ऊपर आप लगा सकते हैं और मोबाइल में भी एडाप्टर की मदद से लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें दो केबल मिलता है, एक स्मार्टफोन केबल है और एक ये कैमरा के लिए है, तो ये दो तरह के केबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक पाउच मिलता है हमें, पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इस पर ब्रांडिंग भी है और ये है सिलिका जेल। तो इन सबको रखते हैं साइड में, अभी हम लोग देखते हैं माइक को। माइक को हम लोग लगा देते हैं इस स्टैंड में, तो यहाँ पे ये जाएगा और इसके लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है इसको, तो ये इसके अंदर चला जाता है। अब इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, विंडशील्ड। तो कुछ इस टाइप का ये बन जाता है। उसके बाद अभी हमें स्मार्टफोन में यूज़ करना है, तो ये वाला स्मार्टफोन का कनेक्टर है। फिलहाल मैं इसे स्मार्टफोन में लगा के चेक करता हूँ, तो इसको स्मार्टफोन में लगाएंगे, ये वाला जाएगा माइक में और ये वाला जाएगा आपके स्मार्टफोन में। तो ये हम यहाँ पे माइक में लगा देते हैं और अब ये वाला पार्ट लगेगा स्मार्टफोन में।
तो अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे थे ये मोबाइल का इनबिल्ट ऑडियो था रेडमी नोट 7 का। अब ये मैं लगाऊंगा माइक और उसके बाद जो ऑडियो आएगा वो आएगा इस माइक से, बोया BYMM1 से। तो चलिए पहले इसको लगा देते हैं। तो ये लग चुका है। तो दोस्तों अभी आपने देखा मैंने इस माइक को लगाया था अपने मोबाइल में और उसके बाद कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। पता नहीं इसका केबल ये वाला मोबाइल वाला कनेक्टर खराब है या फिर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, बट इससे कोई साउंड नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको DSLR में लगा के चेक कर लेते हैं, क्या पता उसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो DSLR वाला जो कनेक्टर है पहले उसको लगा लेते हैं इसमें और इसके बाद हम लोग अपना DSLR उठाते हैं। ये है कैनन का 77D और ये माइक यहाँ पे लगेगा टॉप पे। इसको सिंपली ऐसे करके स्लाइड करके लगा देना है और उसके बाद ये वाला जो नट है इसको टाइट कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये लग जाता है। उसके बाद फिर मैं ये लगा देता हूँ। ये वाला जो केबल है उसको यहाँ पे कैमरा में इधर लगा देता हूँ। ऑडियो जहाँ से इनपुट है इसका कैमरे का, तो यहाँ पे साइड में मैंने इसको डाल दिया है सही से। ठीक है, अभी ये कनेक्ट हो चुका है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है आगे से, आप देख लो ऐसे करके। हाँ कुछ ऐसे ये रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फटाफट से उस पे लगाता हूँ ट्राइपॉड पे, उसके बाद देखते हैं। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये DSLR के साथ आ रहा है और ये जो अभी माइक जिसका आवाज़ आप सुन रहे हैं ये है बोया BYMM1 का वॉइस जो कि DSLR में लगा हुआ है 77D कैनन का है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है बुरी आ रही है? मुझे फ़िलहाल तो पता नहीं चलेगा, जब मैं एडिटिंग करने जाऊँगा तो पता चलेगा कि कितना क्लियर है वॉइस। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा इसका वॉइस BYMM1 बोया का। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ मैं आपको DSLR का जो ओरिजिनल साउंड है विदाउट यूजिंग एनी माइक वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसका केबल खोल लेता हूँ माइक का और उसके बाद वीडियो लेते हैं। तो ये मैंने केबल निकाल दिया है अभी DSLR में से। अब जो साउंड आपको आ रहा होगा ये आ रहा होगा विदाउट यूजिंग एनी माइक। अभी आप देख सकते हैं DSLR का साउंड कैसा है, माइक यूज़ किया था मैंने तो कैसा था। तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि इस माइक का जो साउंड है वो कैसा है। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ वापस से। तो अभी आपने देख लिया मोबाइल से कैसा आवाज़ आता है, DSLR में माइक लगा के कैसा आवाज़ आता है और माइक निकालने के बाद कैसा आवाज़ आता है। तो आपको एक फेयर कंपैरिजन मिल गया होगा कि क्या इसका साउंड क्वालिटी है और ये क्यों नहीं चला इस मोबाइल के साथ, वो मैं सर्च करूँगा क्या प्रॉब्लम है इसमें, उसके बाद देखा जाएगा उसका। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।